फ्रेंड्स, ट्रेन चल चुकी है, अपनी रफ्तार से देख सकते हैं काफी साफ सुथरी ट्रेन है और एकदम खाली भी है। एक स्टेशन आया है जहाँ पे अभी बोर्ड पे कोई स्टेशन का नाम नहीं लिखा है। भाई को भी मजा आ रहा है, मेरे को भी मजा आ रहा है। इस ट्रेन की बात करें तो 53 किलोमीटर के सफर को 1 घंटे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग सभी सही होंगे। इस वक्त हम हैं सनावद रेलवे स्टेशन पे। आप देख सकते हैं सनावद का प्लेटफॉर्म नंबर 1, जहां हमारी EMU लगी हुई है। मात्र एक ट्रेन जो कि सनावद से खंडवा के बीच में चलती है। दोस्तों, पहली बार हमने इसका इनॉग्रल रन आपको बताया था, पहले दिन पहला रन फर्स्ट। आज मौका मिला है इसमें यात्रा करने का, तो हम लोग सनावद से लेके खंडवा तक की यात्रा करने वाले हैं और पूरे स्टेशन और पूरा टाइम टेबल आपको बताएंगे। दोस्तों, इस ट्रेन की बात करी जाए तो सप्ताह में 2 दिन छोड़ के बाकी दिन चलती है। मतलब बुधवार और गुरुवार को ये हमारी EMU नहीं चलती है, बाकी सारे दिन चलती है। फेयर की बात करें तो सनावद से लेके खंडवा तक का 50 रुपये है, और 55 किलोमीटर के मात्र 50 रुपये इस पर चार्ज होते हैं। किराया भी कम नहीं किया गया है, किराया वही है स्पेशल फेयर के रूप में। और ये हमारा सनावद का रेलवे स्टेशन का कुछ नज़ारा। ट्रेन के अंदर की कंडीशन देखे जाएँ तो अपन अंदर चलते हैं और कुछ ये कंडीशन है। साफ सुथरी गाड़ी है दोस्तों, और भीड़ भी इतनी नहीं है। आप देख सकते हैं इस गाड़ी को, स्टेशन को देख सकते हैं आप। सनावद का हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 1 इकलौती गाड़ी जो 2:45 पे सनावद से निकलती है और 4:10 पे लगभग खंडवा के लिए उतार देती है। दोस्तों, तो इसमें जर्नी करते हैं, बने रहिए, पूरी जर्नी देखिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है। करेक्ट 2:45 पे दोस्तों सनावद से निकलती हो हमारी EMU गाड़ी। आप देखिए हॉर्न मारते हुए, तो फ्रेंड्स ट्रेन चल चुकी है, अपनी रफ्तार से देख सकते हैं काफी साफ सुथरी ट्रेन है और एकदम खाली भी है, ज्यादा भीड़ रश नहीं है इसमें। और हम सनावद की ओर बढ़ रहे हैं और बीच में जो जो स्टेशन आएंगे आपको मैं उसको बताऊंगा, तो बने रहिए दोस्तों। दो बज के 56 मिनट पे अपना पहला स्टॉप निमार खेड़ी में पहुंच गए दोस्तों, और फर्स्ट क्लास अपनी स्पीड से भागती हुई हमारी EMU गाड़ी। काफ़ी सुंदर सा नज़ारा और मौसम का लुत्फ लेते हुए हम लोग भी खंडवा की ओर बढ़ते हुए आगे, और आगे आगे जैसे डिस्कशन आएंगे मैं आपको बताता रहूँगा। दोस्तों, इस ट्रेन की बात करें तो 53 किलोमीटर के सफ़र को 1 घंटे 25 मिनट में तय करती है सनावद से खंडवा तक का। और एक्सेलेटर यार काफ़ी शानदार है इसका, एकदम से रेस पकड़ती है गाड़ी, ये अच्छी चीज़ है इस गाड़ी में। और हम निमार खेड़ी को पार करते हुए, और ट्रेन के अंदर अनाउंसमेंट भी हो रहे हैं सारी चीज़ों का, बैग की बैग चोरी होने का या जेब कतरों से सावधान। दोस्तों, 3:05 पे एक स्टेशन आया है जहाँ पे अभी बोर्ड पे कोई स्टेशन का नाम नहीं लिखा है, पर जानकारी मिली है कि यह है कोटला खेड़ी। दोस्तों, पास में ही गांव है, समीप में कोटला खेड़ी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे भी काफ़ी पैसेंजर चढ़े हैं। अभी अभी ये तैयार हुआ है, जब हम इनॉग्रल रन पर आए थे जब तो ये पूरा बन ही रहा था। अभी की कंडीशन देखेंगे तो आप इस कंडीशन में है ये कोटला खेड़ी। आगे और चलते हैं और स्टेशन का नज़ारा देखते हैं। हार्न मार दिया दोस्तों, पानी गिर रहा है लेकिन यार उमस काफ़ी ख़तरनाक हो रही है, गर्मी भी लग रही है,
और हमारी गाड़ी ने हॉर्न मारा और चलते हैं आगे। ये देखें फ्रेंड्स स्पीड, मतलब कितनी फास्ट स्पीड हो गई यार। और ये बोर्ड पे भी नाम नहीं लिखा है यार। अतर इधर का भी प्लेटफॉर्म देख ले, ये अतर का नजारा, ये देखिए दोस्तों अतर। हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई और 3:16 पे आ चुके हैं अतर रेलवे स्टेशन। ऐसे यार दोस्तों छोटे छोटे से स्टेशन हैं इस रूट पे, क्योंकि दूरी मात्र 53 किलोमीटर की है। और इस ट्रेन की बात करें तो 53 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटे 25 मिनट का समय लेती है। और याद रखिएगा दोस्तों साप्ताहिक गाड़ी है, बुधवार और गुरुवार को ट्रेन नहीं चलती, याद रखिएगा। सनावत से 2:45 पे निकलती है और 4:10 पे खंडवा पहुँचा देती है, एकमात्र ट्रेन इस रूट की। बहुत ही सुंदर सा छोटा सा गांव देख सकते हैं। इस रोड की सुंदरता यार, पूरा हरियाली से बिल्कुल रोड रखा है यार, प्रकृति का मानो ऐसा स्वरूप, मजा आ जाएगा आपको देख के। क्यों भाई को भी मजा आ रहा है, मेरे को भी मजा आ रहा है इस पूरे रूट में। बहुत प्यारा सा रूट, और खासकर अगर आप बरसात में आते हैं तो काफी अच्छा है। और आपको बताता हूँ, हम लोग जंगल में आ चुके हैं और स्टार्ट हो गया है जंगल, दिखाते हैं आपको उसका नजारा। नजारा भाई इधर भी देख लें आप, अजंती अजंती रेलवे स्टेशन। तो भाई आ चुके हैं अजंती स्टेशन पे, और अतर से लेके अजंती का जो सेक्शन है काफ़ी शानदार है यार, बिल्कुल जंगलों के बीच में से निकलती हुई, और ऐसा मौसम भी काफ़ी खुशनुमा था, इस कारण से और शानदार सा व्यू लगा इस रूट पे। तो हम लोग आ गए हैं
अजंती रेलवे स्टेशन, बस इसका अगला स्टेशन आने वाला है खंडवा। अजंती से निकलती हुई दोस्तों हमारी गाड़ी, और यार बस इसकी सबसे अच्छी बात यही लगती है कि जैसे स्टेशन से निकलती है और जो एक्सलेटर है ये बहुत ही शानदार, और ये अजंती स्टेशन का व्यू, खंडवा बाईपास केबिन। ये देखिए दोस्तों ये मेन इटारसी लाइन में मिल जाएगी। फ्रेंड्स हमारी मेन लाइन इधर इटारसी को जाती हुई और ये खंडवा की तरफ भुसावल मनमाड़ तरफ। फाइनली फ्रेंड्स अपने समय से 10 मिनट पहले ही हम लोग ये आ चुके हैं खंडवा जंक्शन में। सनावर से लेके खंडवा तक का यह सफ़र काफ़ी शानदार रहा। प्लेटफॉर्म नंबर 5 का आप नज़ारा देख सकते हैं, हम लोग ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे जहाँ पे हमारी ये जो मेमू एक्सप्रेस है उसने हमें उतारा, तो काफ़ी बढ़िया रहा सफ़र दोस्तों। आप लोगों को ये कैसी लगी जर्नी बताइएगा यार दोस्तों। छोटे छोटे स्टेशनों को हमने इतने कम दूरी के किलोमीटर को हमने पूरा करा, और इस बारिश के मौसम में और प्यारा सा सुहावना सा मौसम हो गया दोस्तों। ओवरऑल दोस्तों आपको ये जर्नी कैसी लगी बताइएगा। जर्नी अच्छी लगी हो तो क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।